मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? क्या इतने टेंशन में क्यों है? पोपट भाई की चिंता हो रही है। अरे भाई उसकी चिंता छोड़, उसकी शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10-15 साल बाद हो ही जाएगी। अरे टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई की शादी की चिंता नहीं कर रही हूँ। तो पोपट भाई अभी तक तो घर पर नहीं आए हैं। तुझे कैसे पता? उनके घर की चाबी वो मुझे देकर गए हैं। तू चिंता मत कर, वो पोपट है, उसके घर की एक आध खिड़की भी इतनी सी खुली होगी ना तो उसमें से वो उड़ के घुस जाएगा घर में। ओहो टप्पू के पापा, ये मजाक का टाइम नहीं है। इतनी रात हो गई फिर भी पोपट भाई घर पर क्यों नहीं आए होंगे? ये पोपट लाल का भी ना त्रास है, सुबह सुबह वो सपने का नाम लेके आ गया परेशान करने, अभी रात को सोने नहीं देगा, आधी रात को आएगा चाबी मांगने। टप्पू के पापा जरा फाइन करके उनको पूछे ना वो कहाँ है वो। थैंक यू। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पोपट भाई कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं होंगे ना? पोपट लाल कोई मुसीबत में होगा ना तो भी मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद एक मुसीबत है। टप्पू के पापा चलिए ना, देख कर आते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ चल बा चल, वरना आधी रात को आएगा चाबी मांगने। हाँ। आ गया गोकुलधाम। कितना हुआ? 90। अरे बाप रे, पैसे तो सारे मंदिर में। अरे अरे रहने तो बुलबुल। कोई बात नहीं, तुम मत, कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरे 10 रुपया वापस दो, 90 रुपये हो ना। रहने दीजिए, चलेगा आपको? अरे ऐसे कैसे चलेगा, चलिए ना। चलो भाई आप। बुलबुल ये है तुम्हारा ससुराल। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, बैंड बाजे के साथ मेरी बारात गोकुलधाम में आएगी, मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त नाच रहे होंगे और मैं बड़ी शान से अपनी दुल्हन को गोकुलधाम में लाऊंगा। लेकिन देखो ना कैसे विडंबना है, तुम्हें इस तरह छुपा कर लाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पत्रकार जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सारी दुनिया को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सच में आज मेरा सुबह का सपना। पत्रकार जी अब चलिए वरना कोई देख लेगा। अरे हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं छुप कर खड़ी रहो, मैं जरा अंदर देख लेता हूँ कि सोसाइटी में कोई जाग तो नहीं रहा ना, और फिर मैं तुम्हें वैसे ही कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें वहां लगाई थी। हाँ मतलब पहले कुकड़ू कू और फिर कू। हाँ। नहीं 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 भाई, वो गलती हो गई थी, सिर्फ कू। ओके क्या हुआ? अरे बाप रे ताला है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। पत्रकार जी। तुम छुप जाओ, छुप जाओ।
पीछे 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 क्या हुआ? अरे वहाँ एक आदमी गैलरी में खड़ा है, वो हमें देख लेगा। जो अंदर जो। वहाँ से भी कोई आ रहा है। वो अब क्या करें? बिल्कुल वो आदमी गया। चलो 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 जल्दी चलो, दौड़ कर सीधा विंग में घुस जाना। अरे बिल्कुल सीधा विंग मतलब ये हमारा विंग है। चलो आजा, आजा, आजा। आ गया पत्रकार पोपटलाल। अब रिलैक्स। ओ गॉड क्या हुआ? घर की चाबी तो दया भाभी के पास है। तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ। पत्रकार जी मैं यहाँ अकेले। अब कुछ नहीं होगा, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, तुम यहीं रुकना। जल्दी आना। क्या मुसीबत है? मुसीबत क्या? एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को मदद कर। आप लोग यहाँ? तू यहाँ? कमाल है, एक तो तुम अपने घर की चाबी हमारे घर पे छोड़ देते हो, फिर तुम सीधे अपने घर पे पहुंच जाते हो। अरे तुम्हारे पास दूसरी चाबी है तो बोलना चाहिए ना भाई, या तुम्हारी चिंता में इसने मुझे सोने नहीं दिया। जेठालाल मेरे पास घर की दूसरी कोई चाबी नहीं है, एक ही चाबी है। वो दरअसल मैं भूल गया था कि मैंने चाबी दया भाभी को दी है और मैं सीधा घर चला आया, और आने के बाद मुझे याद आया कि चाबी तो आप लोगों के घर पर है, तो मैं बस अभी चाबी लेने ही आ रहा था आपके घर। हाँ तो चलो हमारे घर तक चलो, तुम्हारे घर की चाबी उधर ही मिलेगी। चलो। क्यों चाबी तुम साथ नहीं लाए? पोपट भाई हम चाबी साथ में ही लेके आए हैं। ये तो टप्पू के पापा का ये कहना है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो आप हमारे घर चलिए, खाना खाइए और चाबी लेके वापस आ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी मैंने खाना खा लिया है। पोपट भाई आप शर्माइए मत, अगर आप थक गए हो और आपको हमारे घर तक नहीं आना हो तो मैं टप्पू के पापा के हाथों टिफिन भिजवा देती हूँ। अरे भाई उसने बोला ना उसने खाना खा लिया, कितनी बार खाना खाएगा बेचारा, उसके पास एक ही पेट है। पता है सबको एक ही पेट होता है, दो तीन पेट नहीं होते। हाँ लेकिन एक बात है, किसी किसी का एक पेट भी दो तीन पेट के बराबर होता है। तो क्या कहना क्या चाहती है? तेरा इशारा किसकी तरफ है? वो कहते हैं ना वो समझदार को इशारा भी काफी होता है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि देखिए हर पति के पास एक पत्नी होती है जो पति का बहुत ध्यान रखती है, वो पूछती रहती है, बार बार पूछती रहती है, आप आ गए, आप थक गए क्या, आपका सर दबा दूं, आप चाय पियेंगे, आप खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे आप, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पोपट भाई बेचारे अकेले हैं, उनको कौन पूछने वाला है। दया भाभी आपको कैसे बताऊं, अब पोपटलाल अकेला भी नहीं रहा और बेचारा भी नहीं रहा, उसकी चिंता करने वाली आ गई है। डस्टबिन किसने फेंका? जेठालाल डस्टबिन कौन फेंकेगा? गिर गया होगा अपने आप डस्टबिन पे। क्या ऐसा जैसे डोलते डोलते दादर चल रहा था और फिर उसका बैलेंस गया तो गिर गया। पता नहीं कैसे गिर गया। म्याओ म्याओ। अच्छा 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 इसने गिराया है। इसने मतलब किसने? अभी भी सुनो ना म्याऊ म्याऊ। बिल्ली दो दिन से हमारे विंग में घूम रही है, कभी भी किसी का भी कचरे का डब्बा गिरा देती है। कोई बात नहीं मैं कचरा टोपली में कचरा डाल देती हूँ।
नहीं दया भाभी, नहीं। दया भाभी, आप मेरी बहन है, मेरे होते हुए आप कचरा उठाएंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग आराम से घर जाइए, सो जाइए, सारी साफ सफाई मैं कर लूंगा, वैसे भी मैं घर पर करता ही हूँ रोज। तुम्हारे घर की चाबी है ना, कहीं हमारे घर की चाबी तो नहीं दी थी? नहीं नहीं, हमारी तो यहाँ है। हाँ नहीं नहीं, मेरे ही घर की है। अभी चाबी मिल गई ना भाई, अभी शांति से सो जाओ और मेहरबानी करके कल सुबह सपना मत देखना। नहीं 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 जेठालाल, अब सुबह सपना देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरी शादी हो गई। समझो वो आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवा के आया है ना। गुड नाइट। चलो क्या, किसी किसी का पेट क्या दो तीन पेट के बराबर होता है? मैं तो हाथी भाई की बात कर रही थी। बच गया। आश, बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। म्याओ म्याओ, बहुत इंटेलिजेंट हो। वो दया भाभी और जेठालाल थे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब यहाँ कोई डर नहीं है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। आइए। पत्रकार पोपटलाल के घर और जीवन में तुम्हारा स्वागत है। सॉरी सॉरी, वो क्या ना, घर में मैं अकेला रहता हूँ ना, इसलिए सब अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं सब अभी ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट। हाँ अरे बुलबुल, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? किसी ने हमें देख लिया तो, हमारी बातें सुन ली तो। पत्रकार जी, वो हाँ हाँ हाँ, वो भी है ना। आओ। अरे एक मिनट बुलबुल, तुम यहीं रुको, मैं अभी एक मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ फिर सब बताता हूँ, तुम यहीं रुकना प्लीज। कहीं यहीं रुकना, क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे? कोई नहीं है, तुम सर बाहर आ जाओ ना। अरे आओ तो सही, सब बताता हूँ। अरे आओ ना। तुम इस घर की दुल्हन हो, मेरी दुल्हन हो, और दुल्हन का स्वागत तो होना ही चाहिए ना। स्वागत है, स्वागत है आपका, इस घर में स्वागत है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यही रुकना, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ। पत्रकार की नहीं, हाँ एक मिनट रुकना जरा, बस अभी आया। ये क्या है? गृह प्रवेश के लिए, जब दुल्हन पहली बार घर आती है प्रवेश की रस्म करते हैं ना। एक मिनट, एक मिनट। वो सॉरी, एक्चुअली मुझे कलश नहीं मिला है अब, तो मैं ये डिब्बा ही ले आया, मैं चावल इसी में रखता हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम करो ना, इसी में करो। चलो चलो जल्दी करो, कोई आ जाए उसके पहले गृह प्रवेश कर लो। बस अब आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं, आपका पत्रकार पोपटलाल के घर में अब ऑफिशियली स्वागत है। लो पर्स रख देता हूँ मैं। ओके ओके, इसे अपना ही घर समझो। अरे समझो क्या, आप तो ये तुम्हारा ही घर है ना। अब ना बैठो ना, बैठो 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 बैठो।
मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे भी घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। तुम बैठो आराम से बैठो। कर लूंगा मैं, ये मुझे आदत है वैसे भी, गिरता रहता है चावल। अरे डिब्बे, डिब्बे से बाहर गिर रहे चावल। सॉरी सॉरी, अनाज है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस हो गया। दरवाजा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। ओह नो, क्या 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 हुआ? ओ, एक रस्म और रह गई है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। देखिए पत्र, तुम रुको रुको, यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पत्रकार जी, बुलबुल इसे हटाओ। ये क्या है? अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट रुकना। क्या हुआ पत्रकार जी? सब बताता हूँ, एक मिनट रुको। जब दूल्हा दुल्हन पहली बार घर आते हैं तब ये रस्म निभाई जाती है। आपने ये सब तैयारियां करके रखी थी? सालों से। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? देखो ये सारी चीजें है ना, ये इसमें डाली जाती है और हमें इसमें से अंगूठी ढूंढनी है 5 बार। 5 बार? जो सबसे ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा वो जीत गया। ठीक है, चलो अब तुम भी मेरी तरह नीचे बैठो। बैठो बैठो बैठो, लेकिन कुछ नहीं बोलना है, बैठो। चलो शुरू करो। लेकिन 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 कुछ नहीं, सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लो। वैसे भी कल से घर में तुम्हारी ही चलने वाली है ना। शुरू करें, चलो 1 2 3 स्टार्ट। पत्रकार जी, आपने चीटिंग की ना, आपने अंगूठी ढूंढी नहीं, हमें जानबूझ के जिताया ना। क्यों किया ऐसा? वो कहते हैं कि जो इसमें जीतता है ना, घर में सिर्फ उसी की चलती है। थैंक यू पत्रकार जी। टेंशन नॉट। पुलिस जरूर हमें पकड़ने आई होगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूँ। बिजली के तार अगर आपको छू जाए तो झटका लगता है ना, लेकिन शायद उससे कहीं बड़ा तेज झटका पोपटलाल को लगा है पुलिस का सायरन सुन के। पोपटलाल के होश उड़ गए और तो और बुलबुल भी बुरी तरह से डर चुकी है। अब क्या होगा, क्योंकि पोपटलाल के बराती बनके पुलिस वाले गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके हैं। अब हम पोपटलाल और बुलबुल को कैसे छिपाएंगे? और पुलिस वालों ने पोपटलाल और बुलबुल को पकड़ लिया तो, और हम गोकुलधाम निवासी तो पोपटलाल की शादी से बिल्कुल अनजान है, हम कैसे मदद करेंगे उसकी?
और बुलबुल के पिता तो फिर बाहुबली है। तो मतलब ये है कि अगर आप मिक्सचर के अंदर धनिया और मिर्च डाल दें तो क्या होगा? चटनी। जी हाँ, पोपट लाल की चटनी बनने वाली है, और आपके लिए तीखी हंसी कल गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर पुलिस पोपट लाल और गोकुलधाम निवासियों के बीच में त्रिकोणीय मैच होगा। आप अपने गोकुलधाम स्टेडियम की टिकट अभी से बुक करा लीजिए, क्योंकि चौके और छक्के फिक्स है। देखना मत भूलिए मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.